ये पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। मुझे वो मूर्ति चाहिए। ओह, तो ये बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। देखता हूँ तुम मुझे इस मूर्ति को ले जाने से कैसे रोकते हो। अरे, मेरे साथ वापस लौट रहे हैं। शिकांगी नेपले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी द्वारा से तोड़कर भागना चाहता है। उसे रोको। नागराज, तुम नागमढ़ी के गुलाम हो और इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। अरे, ये बच्चा कहाँ से आया? बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे, ये क्या? मैं इच्छाधारी सांप हूं। एक लड़की मेरी पुजारन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत है और मैं इस बच्चे को पराक्रमी बनाना चाहता हूँ। आज से 20 साल बाद तुम वापस इस जगह आना और मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना। मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना और इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं पैदा हो जाएंगी। परंतु याद रहे, उससे पहले तुम्हें इसे 1000 सांपों से डसवाना होगा और आखिर में वो नागराज बन जाएगा। इसके बाद सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित नहीं कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब वक्त आ गया है इसे भस्म खिलाने का। लेकिन मुझे इसके दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा। इस कैप्सूल को इसके मस्तिष्क में डाल देता हूं। नागमणि ने इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। मैं इसके दिमाग से कैप्सूल निकाल देता हूं। इससे इसका मस्तिष्क आजाद हो जाएगा। मुझे सब याद आ रहा है। ये लोग न जाने मुझसे कितने अपराध करवाने वाले थे। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना। मैं महात्मा गोरखनाथ के वो शब्द कभी नहीं भूलूंगा।
अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। मैं दुनिया से अपराध का सफाया कर दूंगा। मेरा नाम है नागराज। राजनगर।